इस शराब का बोतल है, इस शराब का बोतल है, उस शराब का बोतल है, उस शराब का बोतल है, और इस सारा शराब का बोतल जो है एगो सरकारी स्कूल के पास है। शराबबंदी का कंडीशन कैसा है? वो तो सबको होम डिलीवरी। अच्छा, ये कौन सा शराब है बताइए तो, थोड़ा सा पढ़ के बताइए तो। ब्लैक ओके है। ब्लैक ओके, ब्लैक ओके किस टाइप का शराब होता है? पीने के बाद नशा उसा होता है कि नहीं? हाँ होता है। होता है, तब कितना बार पिए हैं? हम नहीं पिए हैं। तो कैसे पता है कि नशा होता है इसमें? क्योंकि दारू दारू वही तो होता है, नशे के लिए ही ना होता है। नशे के लिए कई को बोतल है गिनिए तो थोड़ा सा। एक दो तीन चार, चार गो, पाँच गो, पाँच गो है। उधर नहीं दिख रहा है? हाँ उधर बहुत सारा है, उधर लाइन से बहुत सारा है। कितना होगा? बहुत होगा, वहाँ पूरा बोतल लाइन से लगा हुआ। कितना शराब का बोतल यहाँ पे फेंका हुआ है? 500, 1000, 1000 से ऊपर है। रक्सौल में तो पूरा शराब का अड्डे है, पूरा रक्सौल में तो शराब का नदी बहता है। यस, पूरा नेपाल से यहाँ पर लोग सप्लाई करता है। देश का शिक्षा व्यवस्था का क्या स्थिति है उसका जीता जागता उदाहरण ये एक सरकारी हाई स्कूल है जो बिहार के इंटरनेशनल शहर रक्सौल में स्थित है। आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल में 12 महीना में से 6 महीना पानी घुसा हुआ रहता है। अंदर का ज़मीन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, अंदर ज़्यादा नहीं घुस सकते हैं क्योंकि एग्जाम चल रहा है और सुरक्षाकर्मी गेट पर जो है वो सुरक्षा में तैनात है। अब जरा सोचिए कि टेंट में, तंबू में इस प्रकार से एग्जाम चलेगा तो एग्जाम की क्या स्थिति बिहार में होगी वो आप सोच समझ सकते हैं। आ ये देखिए, ये ससुरा शराबबंदी है और ये है सरकारी स्कूल। अब बिहार का सरकारी स्कूल है और यहाँ पे पुलिस वाले भी तैनात हैं और ये है हाईवे और वहाँ पे ये दूगो बोतल शराब का है। अब जरा सोचिए, शायद से इस स्कूल के मास्टर साहब जो शराब का खोजाई कर रहे हैं वो शराब को खोज के यहीं पे दफन कर दिए होंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं, झूठ मूठ का बिहार में शराब बंद है। और आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्वच्छ रक्सौल और सुंदर रक्सौल, और कितना स्वच्छ है और कितना सुंदर रक्सौल है वो किसी से छिपा नहीं है। उसके नीचे लिखा हुआ है हजारीमल हाई स्कूल, और उसके हजारीमल हाई स्कूल आप दिखा देना चाहता हूँ कितना सही है। आप देखिए, ये हजारीमल हाई स्कूल है, उसके नीचे गांधी जी का चश्मा बनाया गया, स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। अब ससुरा हमको समझ में नहीं आ रहा है कि एक कदम इधर स्वच्छता किधर जाए, इधर स्वच्छता की ओर एक कदम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, आप लोग समझ सकते हैं। नीचे लिखा हुआ नगर परिषद रक्सौल और उस पर कौवा हग दिया है, क्योंकि नगर परिषद रक्सौल जबरदस्त तरीके से कौवा को हगवाने का काम करता है, विकास का काम तो आप लोगों को पता है। उसके अलावा बिहार में शराब बंद है और शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस शराब का बोतल है, इस शराब का बोतल है, उस शराब का बोतल है, उस शराब का बोतल है, और इस सारा शराब का बोतल जो है एगो सरकारी स्कूल के पास है। एक बार पीने वाले को माफ़ किया जा सकता है ना? तो शायद एक बार पी के लोग फेंक दिए होंगे, फाइन दे के बच गए होंगे। तो काहे शराबबंदी के नाम पे जो है बिहार को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं? आई स्कूल के शिक्षकों को भी पता है, ये होमगार्ड के जवान लोगों को भी पता है कि 30 दिन में से एक दिन का पैसा कट जाता है, सही है कि नहीं है? कटता है। और स्कूल के टीचर को सही समय पे पैसा नहीं मिलता है, काहे काहे कि शराब बंद है और बगले में नेपाल है और वहाँ से लोग बोतल लेके आ जाते हैं, पी लेते हैं और स्कूल के गेट के सामने फेंक देते हैं। ये है स्थिति, और ये है सरकारी स्कूल जिसमें एग्जाम चल रहा है, आप देख सकते हैं। इन लोगों से कुछ नहीं पूछेंगे, इन लोगों से पूछेंगे क्या नाम हुआ? वसीम आलम। अच्छा, ये सरकारी स्कूल का कंडीशन कैसा है? बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है, शब्दों का सही सिलेक्शन कीजिए, नहीं तो बेहतर हो जाता। क्या नाम हुआ? रवि तिवारी। अच्छा, इस स्कूल का कंडीशन कैसा है? बेकार। सर, आपका बोतल स्कूल के गेट पे देख के कैसा महसूस कर रहा है? पीने उने का मन कर रहा है कि नहीं? मन क्या करेगा, सरकार को कोसने का मन करता है।
कोसने का मन करता है। डिलीवरी आ रहा है दादी, तो होम डिलीवरी आ रहा है भैया, होम डिलीवरी आता है यहाँ। कंडीशन बहुत खराब है स्कूल का सर। दारूया का बोतल हुआ कैसा है? दारू बॉर्डर है, इजिली आ जाता है। एक फोन पे आ जाता है, एक फोन करो। नगर परिषद नहीं है, नरक परिषद है, और नाली परिषद हम लोग कहते हैं। अंकु तिवारी। अच्छा तिवारी जी, कैसा है स्कूल का कंडीशन? बहुत ही बेकार है। सोल नगर परिषद का कंडीशन कैसा है? बहुत वही आता है। शराबबंदी का कंडीशन कैसा है? वो तो सबको होम डिलीवरी। अच्छा ये कौन सा शराब है बताइए तो, थोड़ा सा पढ़ के बताइए तो। ये ब्लैक ओके है। ब्लैक ओके किस टाइप का शराब होता है? पीने के बाद नशा उसा होता है कि नहीं? हाँ होता है। होता है, तब कितना बार पिए हैं? हम नहीं पिए हैं। तो कैसे पता है कि नशा होता है इसमें? क्योंकि दारू वही तो होता है, नशे के लिए ही ना होता है। नशे के लिए कई को बोतल है गिनिए तो थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 गो है। उधर नहीं दिख रहा है? हाँ उधर बहुत सारा है, उधर लाइन से बहुत सारा है। कितना होगा? बहुत होगा, वहाँ पूरा बोतल लाइन से लगा हुआ है। पूरा बोतल से कितना? 1,000, 1,200, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000? 300 से करीब होगा, 500। 300-400 से ऊपर तो ऊपर दिख रहा है, नीचे कितना होगा अब ये लोग बताएंगे। थोड़ा सा हमारे कैमरामैन यहाँ पे आ जाइए, हम झट से इधर आ जाते हैं और दिखाते हैं कि कितने लोग देख रहे हैं। बस इधर ही रहिए लोग। कितना शराब का बोतल यहाँ पे फेंका हुआ है? 500, 1,000, 1,000 से ऊपर है। सर रक्सौल में तो पूरा शराब गॉड है, पूरा रक्सौल में तो शराब का नदी बहता है। यस, पूरा नेपाल से यहाँ पर लोग सप्लाई करता है, यहाँ से चला जाता है। और देखिए हम एक और बात कह देना चाहते हैं, सबसे कमजोर ससुरा पुलिस वाले लोग हो जाते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा कमजोर थाना प्रभारी, ASI, SI और कांस्टेबल हो जाते हैं, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। बाकी नेताजी लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाता है, और थाना प्रभारी से ऊपर के अधिकारियों को भी सस्पेंड नहीं किया जाता है। जबकि कोई भी थाना प्रभारी नहीं चाहता है कि उसके क्षेत्र में शराब और शराबी और जहरीला शराब का बिक्री हो, लेकिन मजबूरी यह है कि ज्यादा टाइट करेंगे तो उनको टाइट कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। सही है कि नहीं? सर एक बात और सर, इसमें मैट्रिक का इम्तिहान चल रहा है सर, सेंटर है, देखिए यहाँ पर क्या कैसे परीक्षार्थी आता जाता होगा सर, डाली का दिखाइए। पहला चीज देखिए, मैट्रिक का एग्जाम चल रहा है, उसमें परीक्षार्थी कैसे आते जाते होंगे आप सोच सकते हैं। और दूसर का चीज सुनिए, एक और चीज, मैट्रिक का एग्जाम देने आते होंगे बच्चे तो उनको क्वेश्चन याद होता होगा या ना होता होगा, शराब का बोतल जरूर दिख जाता होगा। और अगर शराब का महक से अगर थोड़ा सा नशा हो जाए तो लिखना होगा बिहार का मुख्यमंत्री का नाम तो नरेंद्र मोदी लिख देगा सब, और बिहार का प्रधानमंत्री का नाम तो नीतीश कुमार लिख देगा। तो ये चीजें है, शराब जो है अगर बंद है तो पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। सही है कि नहीं? एकदम एकदम बात है। अच्छा क्या नाम हुआ बाबू आपका? जलंधर कुमार। अच्छा कुमार जी, आपको शराब का बोतल दिख रहा है? जी सर। कितना दिख रहा है? बहुत ज्यादा दिख रहा है। बहुत ज्यादा। अच्छा शराब कहाँ से आता है? शराब आता है यही नेपाल से, बगले में। कितना साल उम्र है आपका? हमारा उम्र 19 साल। भाई देखिए 19 साल का बचवा को पता है शराब कहाँ से आता है, तो सरकार को कैसे नहीं पता है? सही है कि नहीं? क्या उधर पे फैक्ट्री है नेपाल? बिहार का शायद से 650 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर जो है वो नेपाल से लगता है। अब देखिए ये लोग भगाना शुरू कर दिए। अब देखिए सुनिए सर, सुनिए एक मिनट सर, क्या लगा हुआ है? सीसी कैमरा। तो एक मिनट तो सर सीसीटीवी कैमरों को शराब हुआ नहीं दिखता है? नहीं दिखता? बह के आया होगा। चलिए अब यहाँ से चलते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, शराब सीसीटीवी को नहीं दिखता है। मास्टर साहब ने कहा है बह के आता है। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ रक्सौल, स्वच्छ नगर परिषद, स्वच्छ स्कूल का स्थिति आप देखिए कि क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और वहाँ से चलना इसलिए भी जरूरी था कि ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ है, क्या पता मार साहब कह देते कि शराब का बोतल मनी से ला के फेंक दिया है, तो इसीलिए वहाँ से हट गए हैं। और ये देखिए इतना गंदगी जब रहेगा तो अंदर बच्चा कैसे पढ़ेगा, जरा सोच सकते हैं, तो बच्चे के दिमाग में गंदगी घुस जाएगा ना। तो ये है सरकारी स्कूल का व्यवस्था, और इसमें सुधार होना चाहिए।
और इसमें जब तक सुधार नहीं होगा तब तक यहाँ पे दो मिनट खड़ा सकते हैं आप बदबू से, दो मिनट सारा मुर्गा के छिलका उलका आगे गिरा हुआ है, काम है डेली का, यहीं पे गंदगी रहता है, डेली का काम है, सारा कचरा आता है यहीं पे, उटकुआ मुंह में है ना, एकदम फेंक दीजिए लोग। हाँ बिल्कुल, यहाँ कचरा हमेशा लगता है, बहुत बदबू करता है, मतलब बीमारी हमेशा कचरा रहता है यहीं पे, बहुत कचरा ऐसा, बहुत बीमारी फैलता है, जिसको फेंकने वाला एरिया बना लिया है लोग, डंपिंग काला हो गया बुजुर्ग। यहाँ पे बगल में ही मीट बिकता है जबकि बगल में स्कूल है, और ये कचरा सब सब्जी मंडी से ला के मुर्गा वाला सब बिकता है। मछली बाजार घूम जाइए, मछली बाजार में मछली बाजार में जाके देखिए, मछली बाजार जाके देख लीजिए कितना गंदा है। स्कूल का स्थिति कैसा है? बहुत खराब, बहुत बेकार है सर। स्कूल के सामने जो अभी गिर गया और फिर वो चलेगा एग्जाम, उसका लेट भी हो गया, बच्चा गिर गया जी वहीं पे गेट के सामने, बच्चा गेट के सामने गिर गया क्योंकि गेट पे पानी लगा हुआ था और बच्चा का एग्जाम जो है कैंसिल हो गया। बाकी इस देश का एक बहुत बढ़िया व्यवस्था, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मैं इस देश का एक इंटरनेशनल शहर रक्सौल से दिखा रहा था। आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस स्कूल के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं ये भी ज़रूर बताना, और स्कूल के गेट पर शराब का बोतल देख के शराबबंदी के बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताना। बाकी हमारा प्रयास हमेशा रहेगा कि जनता के बीच में जाएंगे, सिर्फ जनता से सवाल करेंगे और जनता की समस्याओं को दिखाएंगे, उम्मीद है कि जनता भी जो है हमारा सहयोग करेगा। हाँ बोलिए सर, मेरे कहना में से वहाँ ओवर ब्रिज बना हुआ है जो संजय जायसवाल उद्घाटन किए हैं, उसका उससे कोई लाभ दाभ नहीं है, जाकर देख लीजिए वहाँ सब समस्या ओवर ब्रिज है, जो बनाया गया था उसके लिए सब ओवर ब्रिज जाकर देख लीजिए अभी कितना अच्छा खपाने के लिए बनाया गया था, हमको पता है। चलिए ठीक है, बस रक्सौल शहर के लोगों से विनती है, जितने लोग मोबाइल निकाल के मेरा वीडियो कर रहे हैं उतना लोग अपना मोबाइल घुमा के अपना चेहरा की तरफ करके अपना वीडियो करें, और अपने शब्दों में जो है ना अपने शहर का समस्या को दिखाना शुरू कर देंगे तो सारे शहर का समस्या का समाधान हो जाएगा और मनीष कश्यप को उस शहरों में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद।